मौत हुआ है चाची, क्या पूछा है नीतीश चाचा, बताइए क्या पूछा है इनसे, कैसे मौत हुआ है यही पूछे है, बताइए आप, इनका परिवार उजड़ गया और अभी तक जिला प्रशासन यानी छपरा के जो डीएम साहब है और एसपी साहब है कोई बयान नहीं दिया है, आके बसवारी में शराब ढूंढ रहे हैं। छपरा जिला है और इसुआपुर थाना है, यहाँ तक अभी तक लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है और उसी जिला घर में मौजूद है जहाँ पे इसी घर का फिर एक चिराग बुझा हुआ है, बॉडी भी रखा हुआ है और देख सकते हैं उनके परिजन, हम परिजन से जाके क्या पूछे कि कैसा फीलिंग हो रहा है यही पूछे, और नेताजी लोग फोटो खिंचवाने, क्या फोटो खिंचवाएंगे इन लोगों के साथ, नीतीश कुमार के चलते इन लोगों का मौत हुआ है, सीधा उनका अगर कोई है इनका जिम्मेवार मौत का तो नीतीश कुमार है, अगर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो बिहार के मुख्यमंत्री पे दर्ज होना चाहिए, बाद में चौकीदार सस्पेंड होगा, बाद में थाना प्रभारी सस्पेंड होगा, सबसे पहले अगर किसी पर कार्रवाई होना चाहिए तो नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए, देख सकते हैं उनके परिजन है, उनके पत्नी है, उनकी लड़की है, क्या पूछे उनसे हम जाके, क्या पूछे कि मौत हुआ है, कैसे मौत हुआ है, शराब पीने से मौत हुआ है, मैं पूछे जाके हम, इसके पहले भी बिहार में शराब बिकता था उस समय भी लोगों की मौत होती थी, लेकिन कैसे मौत हुई थी, अभी कैसे मौत हो रहा है ये भी बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आजकल लोग सड़क शराब में जहर मिला के बेच रहे हैं और उसी से पीने से लोगों की मौत हो रही है, शायद अगर शराबबंदी चालू रहता तो बोतल में आता है उसका क्या बोलते हैं फ्रूटी ऐसे टाइप का कुछ आता है जिससे लोगों की मौत नहीं होती, लोग शराब पीते थे, लेकिन अब हो रहा है कि गाँव में शराब बिक रहा है और गाँव के जो कुछ शराब है, जो बड़े बड़े माफिया है चौकीदार को पैसा देते हैं, थाना प्रभारी को पैसा देते हैं, इसके कारण अब ज्यादा बेचते हैं, लोग पीते हैं, लोग मरते हैं, और ये देख सकते हैं उनकी पत्नी है, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, देखिए कैसे मौत हुआ है, शायद पहले शराब ढूंढ लिए रहते तो ये घटना नहीं घटता, जो इलाका में घटना घटा हुआ है, अभी तक 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, पता नहीं कितने लोगों की मौत होगी, बताइए ना कौन पूछ जा रहा है, यहाँ पे विधायक लोग हैं सदन में हल्ला कर रहे हैं, भाजपा वाले लोग, राजद वाले लोग, जदयू वाले लोग, जब जदयू राजद अलग था तो राजद वाले हल्ला कर रहे थे, भाजपा वाले अलग थे, भाजपा वाले हल्ला कर रहे हैं, परिवार का कि पालन पोषण कौन करेगा, आप बताइए ना कौन करेगा, कोई करने वाला है, कोई नहीं है, बस आजकल मीडिया वाले भी आएंगे, हम भी आएंगे और लोग भी आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, न्यूज बनाएंगे चले जाएंगे, और आगे इनके घर में अगर दाल बन रहा है कि नहीं, चावल बन रहा है कि नहीं, कोई पूछने आएगा, कोई पूछ नहीं आएगा, भैया क्या कुछ घटना घटा हुआ है इस इलाके में, इस इलाके में 3 घटना घट गई है जी, एक यहाँ पर, एक वहाँ मोहली में, एक अटौली में, सब शराब पीने से, सब शराब से हुए, ये बताइए कि गांव में शराब बिकता था, हाँ गांव में शराब बिकता है, इसकी सूचना यहाँ का चौकीदार के थाना प्रभारी को कोई नहीं दिया है, गांव में इतना लोग मौजूद है कोई नहीं दिया है, सब जाना है, सब जनता है, थाना प्रभारी और चौकीदार सब जनता है, सब लोग वही लोग बिक्री कर आता है, पैसा लेके बेचवा रहा है, बेचवा रहे हैं, सब घूस ले लेकर दारू बेचवा रहा है जी, आ ये गरीब आदमी है जो दोनों माता पिता को ये लड़का देखता था, अब इसका अब देखिए क्या है, देखिए माता पिता को कौन देखेगा, बेटा जन्म दिए कि हम मेरा सेवा करेगा, आपको बताइए कौन देखेगा, अब कौन देखेगा बताइए ना, पिताजी एकदम बूढ़े हो गए हैं, उनका सहारा कौन बनेगा, अब कौन बनेगा बताइए ना, कोई बनने वाला है, कोई नहीं बनने वाला है, सब लोग अगल बगल के है, आज आए हैं कल तक आएंगे, जब तक श्राद्ध क्रम नहीं रहा तब तक सब लोग आएगा, उसके बाद से कोई पूछने वाला इनका नहीं होगा, ये कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में होते हैं, वही चौकीदार जो साइकिल से जाता था थाना, आज अपाची से जा रहा है, कहां से जा रहा है कोई पूछता है, नहीं पूछता है, और सबको पता है कि शराब कहां बिकता है, थाना प्रभारी से लेकर एसपी महोदय तक को पता है कि शराब कहां बिकता है, शराब माफिया कौन है, तो कोई शराब माफिया जो विधायक का आदमी है, कोई सांसद का आदमी है, लेकिन वहां तक शराब माफिया के पास पुलिस नहीं जाती है, बस पुलिस जाती है तो शराब पीकर जो घूम रहा है, जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको बस पकड़ती है, शराब कारोबारी के पास पुलिस नहीं जाती है, हालांकि जो कांड हुआ है सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा कांड जो छपरा में हुआ है, तीसरा कांड हुआ मकेर में हुआ, मनावड़ा में हुआ, अभी जो इलाका है मसरा का ईसुआपुर में जो इलाका हुआ है, 38 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिला अधिकारी महोदय द्वारा और एसपी महोदय द्वारा कुछ भी बयान नहीं सामने आया है, लेकिन देखते यह होगा कि इस मामले के बाद क्या कुछ कार्रवाई होता है और इस पर केंद्र सरकार भी क्या कुछ एक्शन लेती है, यह तो आने वाला समय